समय हम जहांगीरपुरी के उसी इलाके में हैं, उसी जगह पे हैं जहां से हनुमान शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था हनुमान जयंती के मौके पर, और पूरे हिंसा की शुरुआत हुई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद है ये जहांगीरपुरी कुशल चौराहे के पास में है, और इसी जगह से जब शोभा यात्रा गुजर रही थी तो वहाँ पे बहसबाजी शुरू हुई, जिसके बाद पथराव हुआ और पूरा मामला जो है वो बड़े विवाद के रूप में तब्दील हुआ। और हम आपको बता दें कि उस दिन हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ से 3 शोभा यात्रा टोटल निकलनी थी, लगभग जिसमें से 2 शोभा यात्रा पहले यहाँ से सकुशल निकल गई थी, लेकिन तीसरी और अंतिम शोभा यात्रा जब यहाँ से क्रॉस हो रही थी उस दौरान यहाँ पे पूरी स्थिति बदलती हुई दिखाई दी। जो शांति थी वो अशांति में तब्दील हुई और यहाँ पे विवाद हुआ, बहसबाजी हुई और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। अब दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, 10 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और दिल्ली पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 पिस्टल और 5 तलवार जो है वो बरामद की गई है। इस पूरे मामले की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अंसार और असलम को मुख्य आरोपी बताया है, और दोनों की रविवार को कोर्ट में पेशी की गई है, और उसके बाद आज एक बार फिर सोमवार को रोहिणी की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कोशिश होगी कि अंसार और असलम की पुलिस रिमांड पर लिया जा सके, ताकि कई जाँच ऐसी है जो अंसार और असलम अगर पुलिस की रिमांड में रहते हैं तो कई जो जांच है कई दर पर दर खुलते जाएंगे कि कौन कौन इसके पीछे आरोपी था, मोबाइल की जांच होगी। और आज घटना के 2 दिन बीत चुके हैं और आज यहां पे सोमवार की सुबह क्राइम ब्रांच की टीम के साथ फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी। फॉरेंसिक की टीम जो है वो मस्जिद के आसपास के इलाकों में गलियों में जाके लगातार जाँच कर रही है, फोटोग्राफी कर रही है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर कुछ पत्थर जो है अभी भी बिखरे हुए हैं, हालांकि कई ऐसे पत्थर और शीशे जो थे, कई ऐसे चीज़ें थे जो साफ सफाई के चलते हट गए हैं, लेकिन कुछ निशानी अभी भी रह गई। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर पत्थर के टुकड़े अभी भी पड़े हैं, तो पथराव हुआ था और आगजनी के भी कई ऐसे सबूत यहां पे जो है वो लगातार दिख रहे हैं। तो उसी सब एंगल को, एक एक एंगल को की जाँच कर रही है दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मौके पर आ रही है और अब फॉरेंसिक की टीम भी पहुँची हुई है। फॉरेंसिक की टीम अभी पीछे मोहल्ले में गई है, गलियों में गई है, क्योंकि तंग गलियां थी। अलग अलग पहलुओं से जांच की जा रही है कि फॉरेंसिक किट की जो रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ने जो कोर्ट में दावा किया है कि ये जो पूरी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से की गई है, तो पुलिस की जो एक कोर्ट में बात दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया है, फॉरेंसिक की टीम की जो रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं कोर्ट में दिल्ली पुलिस की बातों को और बल देगा। और इस